हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, पहले मैंने आपको जो है लोटस लीफ वाला बताया था, तो ये है रोज़ वाला, मतलब रोज़ की तरह लुकिंग वाला बनता है, जैसे रोज़ बंद होता है ना, उस तरह का पैटर्न है। तो चलो मैं आपको दिखा लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन के बेल को जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो देखिए, बहुत इजी पैटर्न है। सेम पैटर्न लोटस फ्लावर वाले के साथ जो है मिलता जुलता है। जैसे मैंने इसमें जो है 13 का डिस्टेंस रखते हुए किया हुआ है, सेम मतलब थोड़ी सी ट्रिक है जो अंदर से चेंज होते हुए जा रही है। तो प्लीज़ आपने जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है देखिए, मैं अगेन बताती हूँ। 13 फंदे रखे हुए मैंने यहाँ बीच में, ठीक है। और सेम मैंने वैसे ही किया है, यहाँ पर राइट और लेफ्ट से मैंने जो है अंदर को फंदा किया था। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से, ठीक है, सेम स्टार्टिंग का तरीका सेम वैसे ही है, ठीक है। इस तरह से अगेन बता रही हूँ मैं आपको, राइट एंड लेफ्ट से, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, अगेन बहुत इजी पैटर्न है। जैसे से मैंने लोटस आपको बताया था ना, लोटस लीफ का, तो पैटर्न शुरुआत में सेम वैसे ही है। सेंटर लेते हुए इस तरह से करना है, इस तरह से, ठीक है। और फिर इस तरह से, ठीक है ना। तो आपने तब तक करते जाना है जब तक आपके यहाँ पर जो है सेंटर में जो है यहाँ पर 7 आ जाए। जब 7 आ जाएंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तब तक आपने राइट और लेफ्ट से लेस करते हुए जाना है कि फ्रेंड्स, इसमें मैं अगेन कह रही हूँ, हर बारी में अंदर की ओर जाएंगे। अब मेरे यहाँ पर 7 आ गया। अब जब 7 आ जाएंगे तो मैंने क्या करना है, इस तरह का जाली के साथ, ठीक है, जो तीसरा बंदा है ना, इस तरह से अगेन इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से अगेन है, इस तरह से करते हुए जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप फिर बता देती हूँ मैं आपको फिर क्या करना है, ठीक है। ये मैंने कर लिया अंदर की ओर बंद कर लिया। अब जो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही से मेरे 5, ठीक है, इस तरह से इससे मेरे 5 होंगे। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी कि फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 5 से 3 कर दिए हैं मैंने यहाँ पर। और मेरे यहाँ पर जब 5 आ जाएंगे ना, तो फिर अगेन मैंने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी जाली निकाली थी ना, जब मेरे यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे ना, तब अगेन मैंने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। और फिर अगेन इस तरह से, बहुत ही सी पैटर्न है, ठीक है। और फिर इस तरह से, अब जो मेरी ये वाली डिब्बी है ना, ये वाली डिब्बी जो मेरी बन रही है, ठीक है। ठीक है,
अगेन थ्री का क्या करना है, मैंने वन कर देना है, ठीक है, थ्री का वन। सबसे पहले जो आप ये है इजी हो जाता है पहले, तो इस तरह का आपने कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर अगेन फिर मैंने जो है फिर वैसे इस तरह से ग्राफ को रेडी करना है, ठीक है, इस तरह से, और फिर इस तरह से, इस तरह से, और फिर इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ चलिए आप लोग भी बना लीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से देखिए कितना अच्छा ये ग्राफ बन के रेडी हो गया है। तो चलिए आप भी बना लीजिए, चलिए चलिए फ्रेंड्स, तो फिर फ्रेंड्स मैंने जो है सेंटर में कर दिया राइट एंड लेफ्ट से। अब जब मेरे इस तरह के यहाँ पर फाइव रहते हैं तो मैंने क्या करना है, बहुत इजी पैटर्न है ये, इस तरह से सेंटर का। अब मैं जो है क्लोज पे आ गई हूँ, तो आप जो है इंजॉयफुल होके अच्छे से इस पैटर्न को बनाए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह, इस तरह से अगेन सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग कर रही हूँ डिज़ाइन को, तो सेम मेरे यहाँ पर 13 रहेंगे, और फिर इस तरह से मेरा ब्यूटीफुल पैटर्न जो है बन के रेडी होगा। तो चलो मैं आपको दिखा लूँगी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है अंदर की ओर जाना है सेम। अब मेरा जो है यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है ना, मतलब मेरी यहाँ से अब राइट एंड लेफ्ट से घटता हुआ जाएगा। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल पैटर्न जो मेरा कंप्लीट होता है। चलो मैं आपको अगेन दिखा लेती हूँ, तो आपने प्लीज़ इसे लाइक करना है, ठीक है, और अच्छे से कमेंट्स देना है।